खबर यह है कि अमिताभ बच्चन अब कांग्रेस के करीब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिग बी कांग्रेस पार्टी के करीब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिग बी ने सोशल नेटवर्क की साइट ट्विटर पर कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को फॉलो किया है, यानी कांग्रेस की हर गतिविधि से बिग बी अब रहेंगे अपडेट। अमिताभ बच्चन और पीएम नरेंद्र मोदी की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब से ही दोनों काफी नजदीक हैं। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर अमिताभ की नजदीकियां कांग्रेस से बढ़ने लगी हैं। इस बात की पुष्टि करती है ट्विटर की ये तस्वीरें। 9 फरवरी को अमिताभ बच्चन ने कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को फॉलो किया, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें शुक्रिया कहा। देखिए, अमिताभ बच्चन जी क्या करने चाहते वो जाने, लेकिन जो ट्रेंड हमारे सामने आ रहे हैं कि फॉलोइंग बढ़ रहा है, लोगों को ये देखना पड़ता है कि अल्टरनेटिव क्या है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अल्टरनेटिव है, स्वाभाविक है। मैं समझता हूँ अमिताभ बच्चन क्या, बॉलीवुड के हर एक्टर जो समझदार है फॉलो करने कोशिश करेंगे। इसके बाद अमिताभ ने कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी से लेकर प्रियंका चतुर्वेदी को भी ट्विटर पर फॉलो करना शुरू कर दिया है। मनीष तिवारी ने कल ट्विटर पर लिखा, मुझे ट्विटर पर फॉलो करने के लिए अमिताभ जी आपका शुक्रिया। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे आपने फॉलो किया। बच्चन जी की फिल्में जब रिलीज होती थी तब हम पहले दिन का पहला शो देखने जाया करते थे। ऐसा करते हुए ही हम बड़े हुए हैं। मनीष तिवारी ने अमिताभ की तारीफ की तो उधर कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बिग बी के साथ अपनी कुछ तस्वीरों को पोस्ट करते हुए कल लिखा, मेरे लिए बहुत खास दिन है, मुझे फॉलो करने के लिए सीनियर बच्चन का शुक्रिया। कांग्रेस के इन नेताओं के अलावा ट्विटर पर अमिताभ जिन कांग्रेसियों को फॉलो कर रहे हैं उनमें राहुल गांधी से लेकर अशोक गहलोत और कपिल सिब्बल जैसे नेता हैं। अब इस बात के राजनीतिक मायने ये हैं कि क्या अमिताभ फिर से कांग्रेस के करीब जा रहे हैं। अमिताभ बच्चन उस दौर में देश के सांसद बने थे जब राजीव गांधी पीएम थे। राजीव और अमिताभ दोनों गहरे दोस्त थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 के लोकसभा चुनाव में बिग बी इलाहाबाद से जीते थे। 2 लाख से ज्यादा वोट से इन्होंने तब के बड़े नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा दिया था। इसी दौरान देश में बोफोर्स घोटाले का जिन्न निकला और राजनीति में हड़कंप मच गया। राजनीति में खुद को अनफिट बताते हुए बिग बी ने 1987 में इस्तीफा दे दिया। हाल ही में राजनीतिक रूप से बच्चन परिवार समाजवादी पार्टी का करीबी रहा है। पत्नी जया बच्चन अभी भी समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। अप्रैल में कार्यकाल उनका खत्म हो रहा है। 2007 में एक इंटरव्यू के दौरान जया बच्चन ने कहा था कि कांग्रेस को उन्होंने नहीं बल्कि कांग्रेस ने उनका साथ छोड़ा। अमिताभ बच्चन ने 2004 में गांधी परिवार से रिश्ते पर कहा था कि वो राजा हैं हम रंक, रिश्ता रखना है या नहीं ये उन्हें तय करना है। अमिताभ की पत्नी जया बच्चन 2004 से ही समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। अब खबर यह है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जया को अपने कोटे से राज्यसभा भेजेगी।